बूढ़ा भाई स्थित शक्तिमठ प्रतिमा जौहरी आश्रम पर रविवार को सदगुरु जय श्री केशव दाता का 74वां जयंती महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा और सभी भक्त शाही झंडा लेकर यहां आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने समाधि की परिक्रमा ली और गुरु जी का आशीर्वाद लिया गया। इस मौके पर केक भी काटा गया और जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जय श्रीनाथ बाबा ने सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया ताकि सभी के जीवन में खुशहाली रहे। इस मौके पर भक्तों में भी आस्था नजर आई। उन्होंने गुरु जी को माला पहनाई व केक खिलाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई शक्ति मठ पहुंची। इस मौके पर जय श्रीनाथ बाबा के मुख्य उपासक अजय जौहरी के प्रयासों से केशव दाता की जयंती महोत्सव पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। जयंती के अवसर पर अजमेर के ही नहीं बल्कि भोपाल, दिल्ली, जयपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से कई श्रद्धालु भी यहां बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। आज श्री जय श्री केशव बाबा की 74वीं जयंती शक्तिमठ प्रतिमा जौहरी आश्रम पर मनाई गई है। सुबह गुरु पूजन के साथ ही चरण पादुका की पूजा की गई है और केशव बाबा का सत्संग हुआ है और प्रभात फेरी निकाली गई है। केशव बाबा कुछ अल्प समय में ही आध्यात्मिक शक्तियों से इतने परिपूर्ण हो गए थे कि उनकी ख्याति जिस तरीके से समाज में बढ़ती जा रही है, आध्यात्मिक रूप से सभी भक्त या उनके और भी शिष्य या श्रद्धालु जो भी हैं जगह जगह से आकर आज शक्तिमठ पर उनकी समाधि पर गुलाब के फूल और गुलदावरी से उनकी सजावट की जा रही है। लगभग आज भक्त जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और भक्त आ भी रहे हैं, भोपाल से, दिल्ली से, जयपुर से या और भी कई जगह से जो भक्त आ रहे हैं वो सब आपके सामने हैं।